नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो लड़की, बिजनौर की लड़की जो न्यूयॉर्क में थी, उसको उसके पति ने दिमागी तौर पे बीमार बताया और जो बिजनौर की लड़की थी मनदीप कौर, उसके लिए इंडिया में कौर मूवमेंट चल रही है सोशल मीडिया पे, सपोर्ट मनदीप कौर हैशटैग चल रहा है। लेकिन वहाँ विदेश में, न्यूयॉर्क में, उसके पति रंजोत सिंह ने उस लड़की मनदीप कौर को डिप्रेशन का शिकार बताया है। आप मेरी पूरी बात समझ पाएंगे, मैं आपको उनके भाई की बातचीत बताती हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो उनकी डेथ हुई थी उसी पहले दिन मेरे को पता लगा था, मैंने आगे दिया, उन्होंने मैसेज करा था कि मैं डिसाइड कर रही हूँ परिवार से सर उसके मंदिर जो देखे और उसकी माँ से दुखी आके मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये उनके भाई का कहना है। और अब आप उनकी बहन की बात सुनिए जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। उनकी बहन का ये कहना है कि उनकी बातचीत होती थी, उसको अक्सर ये लगता था कि उसकी बहन जो है वो दुखी है, उसको दुखी किया जा रहा है, लेकिन वो हर बार कहती थी कि मंदिर चर्चा से मुझे थोड़ा बहुत बताती थी ना, थोड़ा बहुत मतलब उनका आपस में बात करवा देती थी कि चलो मंदिर को बोल देती थी कुछ नहीं होता हो जाएगा सब ठीक। ये दोनों भाई बहन, ये जो मैंने भाई से बात कराई है, जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे चल रही है, ये इसी भाई को रिसीव हुई थी। उसने दिन में वो वीडियो बनाई थी, उसने मंजीत कौर ने, और उसी समय उसने अपने दोनों बेटियों को नहलाया धुलाया, उन्हें काफ़ी प्यार किया। उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके उसने अपने घर में ना भेज करके उसने हरियाणा में रहने वाले उसके भाई को ये वीडियो भेजा। उसके भाई ने जब उस सुबह उठा, क्योंकि वहाँ न्यूयॉर्क में और भारत में समय का अंतर रहता है, उसने जब सुबह देखा तो बिजनौर वाले घर में अपने उधर उसके माता पिता को बताया कि ऐसे ऐसे मनदीप ने सुसाइड कर लिया है, ये उसका वीडियो है। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन अब जब मेरी उसकी बहन से बात होती है, दीप कौर से, तो वो ये कहती है कि रंजोत सिंह ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, उसने उसकी बहन को मेंटली बीमार बताया है और उसका वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसने किसी को नहीं दी। ये जो बात मनदीप कौर की बहन ने मेरे साथ शेयर की फ़ोन पर, ये उसको जानकारी मिलती है मनदीप की वहाँ न्यूयॉर्क की फ्रेंड्स के ज़रिए, और उन्हीं फ्रेंड्स ने मनदीप की सिस्टर को ये बताया कि वो जिस दिन ये घटना होती है, जिस दिन वो सुसाइड करती है, उसी दिन वो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी शिफ्ट हो जाता है। करीब 2 घंटे लगते हैं वहाँ से, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है और उसके बाद वो उसकी बॉडी ले जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। परिवार के लिए ये जो जानकारी है बहुत ही शॉकिंग है। सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि या तो उनको कहाँ, तो उसके माता पिता ये सोच रहे थे कि सरकार उन्हें या तो न्यूयॉर्क भेजे या तो
उनकी बेटी की बॉडी जो है वो भारत बुलाई जाए, भारत में मंगवाई जाए, लेकिन उधर उसके पति ने उसके साथ इस तरीके से कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मनदीप की मौत जो है भारत के अनुसार 4 अगस्त को होती है, और उसके पिता ने, जसपाल सिंह है उनका नाम, उन्होंने इसके लिए, घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक केस दर्ज करवाया। अब पिता ने केस दर्ज करवाया है, लेकिन अब बात यह है कि अगर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो आगे कोई केस बनता है। इनके पास जो मनदीप है, इसके माता पिता के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, केस आगे बढ़ नहीं रहा है। उनके पास सिवाय रोने के, सिवाय दुखों के और कुछ भी उनके पास नहीं है। और परिवार ये भी चाहता है कि उनकी जो बेटी के बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, लेकिन वो संस्कार करने के बाद उन बच्चों को भी अपने साथ ले गया है। ये सब बातें जो यहाँ बैठ करके उसके माता पिता, हम मीडिया से कर रहे हैं, ये सब बातें उनको वहाँ से, जो उसकी एक दो फ्रेंड्स हैं, मनदीप की जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बातचीत हो रही है, मनदीप की बहन से, वहाँ से इस तरीके से बातें आ रही हैं। क्योंकि जो बिजनौर में रंजोत सिंह के माता पिता हैं, उनके घर में ताला लगा हुआ है, उस घर में इस समय कोई नहीं है, पुलिस वहाँ भी गई है। और मैं आपको बता दूं कि मनदीप ने अपने जाने से पहले जो वीडियो अपने भाई को भेजा था, उसमें उसने कहा कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि उसके पति सुधर जाएं, उसने बहुत कोशिश भी की, बहुत एडजस्ट भी किया, लेकिन अब वो ज़्यादा सह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसने ये भी सोचा कि, हर बार ये सोचा कि ये सुधर जाएंगे, ये से मतलब उसके हस्बैंड सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रोज़ रोज़ की परेशानी अब झेली नहीं जाती है। और आप अगर वीडियो देखें मनदीप का, तो आपका दिल भी रो देगा। वो कई बार उसमें रोती है, आंखें पोंछती है, और उस समय उसको अपनी बेटियों की भी फ्यूचर की अपने दिमाग में बात आ रही होगी। देखिए, ये जो वीडियो है ये बताता है असलियत में क्या क्लास है, क्या देश है, क्या कल्चर है, एक महिला का दुख क्या है, किस तरीके से वो अत्याचार भी सहती है। इससे पहले जो है मनदीप ने अपने माता पिता से बात की थी कि वो उसको मारता पीटता है, लेकिन फिर ये हुआ कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले हैं, तो वहाँ जा कर के सब कुछ सुधर जाएगा, यानी कि यहाँ जो उसके सास ससुर थे, जब वो बीच में नहीं रहेंगे तो वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो उसके हस्बैंड, मनदीप के हस्बैंड वहाँ जाके भी सुधरते नहीं हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि एक माता पिता ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि मनदीप ने अपने पति पे अफेयर का भी उसने बात की है। ये बात उसकी बहन दीप कौर ने भी मेरे से शेयर की कि उसके कई लड़कियों से संबंध थे, इस बात से मनदीप बहुत दुखी रहती थी। उसने कई बार उसको मना किया कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन रंजोत वीर सिंह संधू जो है वो इस बात को बिल्कुल भी मानते नहीं थे। और वही जो मनदीप के पति हैं रंजोत वीर सिंह, वो ये कहते हैं कि ये जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, ये 5 साल पुराना है। उन दोनों की बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मनदीप को न्याय दिलाने के लिए कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आगे आ चुकी हैं, लेकिन जब मेन चीज़ ये है कि जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका है पेरेंट्स के पास, यानी कि भारत में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, और उसने न्यूयॉर्क में, अब कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, उसके बावजूद उसने सब चीज़ें अपने फेवर में कर ली हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि उसके माता पिता का जो परेशान होना है बहुत जायज़ है, उनके पास और कोई चारा नहीं है। दोस्तों,
एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जिस तरीके से मनदीप ने ये कदम उठाया है, शायद से उसको ये लास्ट ऑप्शन लगा होगा कि इसके बाद वो उस दुखों से मुक्ति मिल जाएगी जिस माँ की छोटी छोटी बच्चियां होती है 3 और 5 साल की, उसको हमेशा उन बच्चियों का ध्यान रहता है। और अब वो दर्द मनदीप कौर से शिफ्ट होकर के शायद उसकी बहन के पास आ चुका है, क्योंकि उसके आंसू नहीं रुकते हैं, रो रो के उसने अपना बुरा हाल किया हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत बताती थी, थोड़ा बस मतलब उनका आपस में बात करवा देती थी कि चलो मंदीप को बोल देती थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब ठीक।